क्योंकि दिग्गजों का जिस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है करहल में, गृह मंत्री वहां पर जाते हैं, जीप के हुंकार भरते हैं, आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर वहां से अखिलेश यादव को हराने की बात कही है, और बीजेपी जिस तरह का माहौल बना रही है करहल में, फिर आगे की राह आपके लिए कितनी मुश्किल कितनी आसान, क्या बोलेंगे इस पर आप? परसों ही होने हैं चुनाव करहल में, जहां से आपके मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चित्रा जी, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की उत्तर प्रदेश के 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में आंधी चल रही है। पहले चरण में 11 जिलों में 58 सीट, दूसरे चरण में 9 जिलों में 55 सीट, इन दोनों चरणों में ही समाजवादी पार्टी उसका गठबंधन शतक पूरा कर चुका है। हम 100 सीटें जीत चुके हैं और ये जो 16 जिलों में अब 59 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, यहां पर भी हम पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे और हम पूरी तरीके से इन 150 सीटें इस चरण के आते आते पूरी तरीके से जीत जाएंगे और चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, फोकस भारतीय जनता पार्टी का क्यों है, घबराए हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को केके शर्मा जी की बात एक बार हो जाए। केके शर्मा जी, दिग्गज जिस तरह से करहल पहुंच रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, ठीक है सर, हो गई आपकी बात, प्लीज जब बीच में टोका जाए तो आप लगातार मत बोलिए प्लीज, अब बाकी मेहमानों की भी बात हो जाए। शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, करहल पर इतनी ज्यादा ताकत लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसका इतिहास बताता है कि बीते 36 सालों से वो सीट किसी यादव के पास ही जा रही है, और अखिलेश यादव को लेकर वहां पर जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या है भारतीय जनता पार्टी की वहां पर स्थिति? और अखिलेश का ये भी कहना है कि होली दिवाली ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनाएंगे, और पटाखे फोड़ते हुए आसमान की तस्वीरें भी ट्वीट कर रहे हैं वो। देखिए चित्रा जी, इतिहास जो भी बताता हो, थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा कम करा दीजिए। देखिए इतिहास तो बहुत कुछ बताता है, पर इतिहास को बदलना भी हम जानते हैं, और हमने इतिहास बदला है। मैं आपको नाम भी बताता हूँ, कन्नौज भी जो है ये माना जाता था कि ये सीट जो है हमेशा समाजवादियों की रही है, लेकिन इसी कन्नौज सीट में हमने डिंपल यादव, इन्हीं अखिलेश यादव के पत्नी धर्मपत्नी यानी मुलायम सिंह के परिवार के लोग को हराया। हमने फिरोजाबाद में अक्षय यादव को हराया, बदायूं में धर्मेंद्र यादव को हराया। ये सब अखिलेश, ये मुलायम सिंह के परिवार के लोगों की बात बता रहा, और ये सब यादव लैंड जिसको कहते हैं आप नाम दे रहे यादव लैंड, ये सब उसी क्षेत्र है, वही क्षेत्र, लेकिन यहां भी हमने हरा के दिखाया है। इसीलिए हम कह रहे करहल में अखिलेश यादव फंस गए, और फंसे कैसे, यदि इसका एक मैं उदाहरण मात्र आपके सामने रख देता। अच्छा, बहुत इको हो रहा है चित्रा जी, कहिएगा थोड़ा इसे कम करा दे, मैं इसका उदाहरण आपको बता दूं। प्लीज जल्दी से कल ठीक कीजिए, कल आदि आपने वहां दृश्य करहल का देखा हो तो आप समझ सकते हैं, पिता, दो चाचा, दो भतीजे, पत्नी, एक परिवार के ये सारे लोग करहल में यानी डेरा जमा के बैठे हैं केवल अखिलेश यादव को बचाने के, उसकी सीट बचाने के लिए। और यही अखिलेश यादव कह के गए थे जिस दिन पर्चा भर के गए थे कि अब मैं 40 दिन बाद आऊंगा यहाँ, 6 दिन के अंदर वापस लौटा पहुंच रहे हैं, आपकी ओर से भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं, तो अगर उनके दिग्गज भी चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो बीजेपी भी तो पूरी ताकत झोंक रही है ना कि करहल से एक बड़ा मैसेज दे दिया जाए।